Hello, welcome to Northeast PSC. Today's topic for discussion is International Leopard Day. So there was a global leopard conference. Based on that, there is a day which is celebrated as International Leopard Day. What are the different varieties of leopard? What is its significance in with respect to the changing nature of ecosystem? And India has recently adopted this Asiatic Lion Reintroduction Program. Okay, so what are the Indian varieties of leopards? These things we will try to understand in this particular discussion. Okay, so this is me. My name is Nazrul Islam. I am from Assam. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years. My education are from Jamia Millia Islamia. I have been mentoring people who are preparing for TGT and PGT, and many have successfully cracked the exam. And if you want to know more about me, you can get in touch with me through LinkedIn and Twitter, which is now called as X. Without any further delay, let us begin the discussion. Every year, 3rd May is celebrated as International Leopard Day. This is a very important fact that can be asked in any kind of examination that you might face. So International Leopard Day is celebrated on 3rd May. This day aims to celebrate leopards and attempts to increase global awareness of their status as well as the threats that leopard population face. So this is an effort ki pure duniya bhar mein jo leopard hai, leopard population ke mutabik regarding hame jo awareness ki zarurat hai is din ke through phailane ki koshish kiya jata hai aur क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या थ्रेट हैं जो लियोपर्ड पॉपुलेशन के सामने हैं दुनिया भर में, इसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम के, ये हमारे फूड चेन के बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। अगर लियोपर्ड पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो फिर हमारे जो फूड चेन है इट विल बी डिसबैलेंस्ड। तो इसीलिए हमें इस तरीके की जो आपका टॉप कार्निवोर्स हैं उसकी बारे उसकी इम्पोर्टेंस को हमें जानना बेहद ज़रूरी है। इट वॉज होस्टेड बाई दी, आपको पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल लियोपर्ड डे है ये UNEP के द्वारा जो है आपका प्रोग्राम का हेल्ड किया गया था, या फिर IUCN के द्वारा हेल्ड किया गया था, या फिर WWF के द्वारा हेल्ड किया गया था। तो इस तरीके से सवाल देखे आपको गुमराह या फिर कन्फ्यूज करने की कोशिश किया जा सकता है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि इसको ये जो इंटरनेशनल लियोपर्ड डे है, ठीक है, जो इसको किसके द्वारा हेल्ड किया जाता है, आपका केप लियोपर्ड ट्रस्ट, पैंथेरा, वाइल्ड क्रू, रॉयल कमीशन फॉर AIUIA, द एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, द ZSL वाइल्ड कैट्स कंजर्वेशन अलायंस एंड अरेबियन लियोपर्ड फंड। तो ये अलग अलग लोग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। इनका एम क्या है? इनका एम ये है कि लियोपर्ड स्पेशलिस्ट जो हैं, रिसर्चर्स हो गया या फिर कंजर्वेशनिस्ट जो लियोपर्ड पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, इन तमाम लोगों को एक साथ लाना है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ टॉपिक्स में यहाँ पर डिस्कशन करना है, इंक्लूडिंग लियोपर्ड इकोलॉजी एंड द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस। और ह्यूमन जो मनुष्य हैं, मनुष्य हो गया और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होना चाहिए। हम लोग देखते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं जो एलिफेंट है, एलिफेंट या फिर आपका टाइगर या फिर जो आपका लियोपर्ड पॉपुलेशन है, ये अक्सर आपको न्यूज़ में सुना देता होगा इंडिया में कि लोगों के घर में घुस जाते हैं या फिर रोड में दिखाई दिया है या फिर जो है आपका जो क्रॉप से उसको ख़राब कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ह्यूमन और एनिमल के जो इंटरेक्शन है इतना क्लोज हो गया है, हम जो है एनिमल की जो आपका उनका जो रहने का जो जगह है, जो उनका जो एरिया है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घुसपैठियों की तरह उनके एरिया में जाकर हम लोग घर बना रहे, इंडस्ट्री बना रहे, मार्केट बना रहे, तो वो भाई कहाँ जाएंगे? तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस को जानना बेहद ज़रूरी है। इन तमाम टॉपिक्स पे यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किया जाता है थ्रू दिस इंटरनेशनल लियोपर्ड डे। ये पहला चीज़ हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, द रोल ऑफ लियोपर्ड्स इन आर्ट एंड कल्चर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो इसमें भी हमें जानना जरूरी है कि लियोपर्ड की इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। लेवरेजिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी हमें क्या करना है, और ज़्यादा इन्हेंस्ड करना है, ताकि लोग एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस को जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज कर पाए। इट विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू शेयर लियोपर्ड लेसन्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड टू प्रोमोट कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस। तो ये क्या कर सकते हैं, पूरे दुनिया भर में किस तरीके की इनिशिएटिव लिया जा रहा है लियोपर्ड पॉपुलेशन को
मतलब सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उन तमाम मेथड्स को हम लोग यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे एंड टू एनश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ दिस इकोलॉजी, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला स्पीशीज। तो इकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिसके लिए हम क्या देखते हैं कि पूरी दुनिया भर के लोगों की पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज़रूरी है। लियोपर्ड आर इल्यूसिव, इल्यूसिव क्या होता है, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स हुज साइज एंड कलर डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। तो ये सिर्फ रात को, ज़्यादातर रात को ये लोग घूमते हैं और इनकी जो साइज़ होगा, कलर होगा, ये किस एरिया में रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जो जितनी भी आपका एनिमल स्पीसीज की बात करते हैं, ठीक है, और उसको जितना एरिया की ज़रूरत होता है, उन तमाम एनिमल में लियोपर्ड को सबसे बड़े एरिया की ज़रूरत होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने प्रे के लिए, अपने मूवमेंट के लिए, ठीक है। फ्रॉम द एरिड रीजन्स ऑफ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट टू द कोल्ड रीजन्स ऑफ रशिया फार ईस्ट, द रशियन फॉरेस्ट। तो अलग अलग इलाके में ये पाया जाता है। लियोपर्ड्स कैन बी फाउंड इन वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, दे लिव इन सब सहारन अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड चाइना। तो अलग अलग रीजन में जो हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका लियोपर्ड का पॉपुलेशन है ये पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये लियोपर्ड की जो आपका बेबीज़ हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर 9 सब स्पीशीज ऑफ द लियोपर्ड एग्जिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में 9 सब स्पीशीज हैं। जावान लियोपर्ड, इंडो चाइनीज लियोपर्ड, अफ्रीकन लियोपर्ड, अरेबियन लियोपर्ड, इंडियन लियोपर्ड, श्रीलंकन लियोपर्ड, पर्शियन लियोपर्ड, नॉर्थ चाइना लियोपर्ड एंड अमूर लियोपर्ड। तो आप देख सकते हैं ये पर्शियन हो गया, इंडो चाइनीज, अरेबियन, श्रीलंकन, अमूर, इंडियन, जावान, अफ्रीकन, नॉर्थ चाइना, ठीक है। तो अब देखिए लियोपर्ड सब स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं। पर्शियन लियोपर्ड कैसा होता है, इस तरह से थोड़ा सा लंबा होते हैं, ठीक है, इनका जो लेंथ ज़्यादा होता है। इंडियन लियोपर्ड का थोड़ा सा लेंथ कम हो जाता है और इनका आप देख सकते हैं जो आपका वो है स्पॉट है उसमें भी डिफरेंसेस आता है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया कलर में। फिर अमूर लियोपर्ड का आप देख सकते हैं थोड़ा सा और येलोइश कलर इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इनका ये नेक भी देख सकते हैं, नेक में भी डिफरेंसेस आते हैं। फिर आप अरेबियन लियोपर्ड देखिए कितना स्लिम यहाँ पर होता है ना। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन लियोपर्ड इस तरह से होते हैं, श्रीलंकन लियोपर्ड का देखिए और अलग होता है, जावान लियोपर्ड कितना कूल लग रहा है ऑल ब्लैक कलर की आप देख सकते हैं, इंडो चाइनीज लियोपर्ड ऐसा होता है, नॉर्थ चाइनीज लियोपर्ड। तो हर किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है लेकिन ये मोर और लेस 9 अलग अलग तरीके की सब स्पीसीज होती हैं लियोपर्ड की, ठीक है। लियोपर्ड इज लिस्टेड इन साइट्स अपेंडिक्स 1, ठीक है। तो साइट्स एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके तहत क्या किया जाता है, अलग अलग स्पीशीज़ को उसके थ्रेट के ऊपर बेस करके उसको अलग अलग अपेंडिक्स 1 में अगर रखा जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा थ्रेट प्रोन स्पीशीज़ है जिसको हमें सेव करना है। उससे अगर मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज हो उसमें कोई भी एक कंट्री में अगर एक स्पीशीज थ्रेट में है उसको अपेंडिक्स 2 में डाल दिया जाएगा। अपेंडिक्स 3 में जो स्पीशीज होगा वो कम थ्रेट में है, ठीक है, या फिर लिस्ट थ्रेट है। तो इस तरीके से साइट्स की जो अपेंडिक्स 1 में अगर डाला गया इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो गया, उसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, डार्क स्पॉट्स जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रोजेटेस बोलते हैं, बिकॉज देयर शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ रोज, ठीक है, रोजेटेस बोला जाता है। लियोपार्ड या फिर पैंथेरा पार्दुस इज लिस्टेड एज वल्नरेबल बाय IUCN विथ सम सब स्पीशीज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लियोपार्ड को ओवरऑल क्या वल्नरेबल के तौर पे रखा गया है, वल्नरेबल स्पीशीज के अंडर में, ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी दे दिया गया है IUCN रेड लिस्ट में, और इसके जो सब स्पीशीज है कुछ उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड और मतलब वल्नरेबल से भी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में है। मेलानिस्टिक लियोपर्ड्स आर कॉल्ड ब्लैक पैंथर, मेलानिस्टिक जिसका मेलानिन ज़्यादा होता है वो ब्लैक कलर के होते हैं, साइंटिफिक टर्म है, तो उसको ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। मेलानिज्म इन लियोपर्ड इज कॉज बाय ए रिसेसिव एलीली एंड इज इनहेरिटेड एज ए रिसेसिव ट्रेड, तो ये इनहेरिट किया जाता है। थ्रेड की बात करें, अगर लियोपर्ड की जो अलग अलग थ्रेड की बात करें, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एक तो हैबिटेट को लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, या फिर जो उनका जो भी हैबिटेट है अगर बहुत बड़ा हैबिटेट वो टुकड़ों में बांट रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है, ठीक है।
तो इसकी वजह से उनका जो रहने का जगह है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमंस, लोगों के साथ इनका एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अनसस्टेनेबल ट्रॉफी हंटिंग, लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं लियोपर्ड को, और जब हंट कर ले उनको लगता है कि हमने एक ट्रॉफी जीत लिया, अरे मैंने एकदम चीते को मार दिया। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, प्राइड लेते हैं कि ये इट इज़ वन काइंड ऑफ ट्रॉफी। ये पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था, आज के ज़माने में कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हमें पूरी तरह से रोकने की कोशिश करना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, इसके जो स्किन है बॉडी पार्ट्स है उसको बेचते हैं, इसीलिए भी पोचिंग करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की थ्रेट्स इनके लिए एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव वैनिश्ड फ्रॉम एटलीस्ट 40% ऑफ देयर हिस्टोरिक रेंज इन अफ्रीका एंड ओवर 50% ऑफ देयर हिस्टोरिक रेंज इन एशिया। तो बहुत बड़े लेवल पर इनकी जो स्पीसीज है वो खत्म हो चुका है। इंडियन लियोपर्ड की बात करते हैं, ठीक है, जिसका पैंथेरा पार्डस फूस्का बोलते हैं। इट इज़ अ लियोपर्ड सब स्पीशीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट्स, नोन फॉर देयर एबिलिटी टू अडेप्ट टू ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। अलग अलग जो एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनका, ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द बिग कैट्स ऑकरिंग ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अपार्ट फ्रॉम द एशियाटिक लाइन, बंगाल टाइगर, स्नो लियोपर्ड एंड क्लाउडेड लियोपर्ड। तो ये जो इंडियन लियोपर्ड है ये लियोपर्ड के कैटेगरीज में सबसे छोटा है, बट इंडिया में कई सारे बड़े बड़े बिग कैट पाया जाता है, और उसमें एक ये भी है। और अलग अलग दूसरे कौन कौन है, एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, स्नो लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, ये सब भी इंडिया में पाया जाता है। ये नॉक्टर्नल है, सिर्फ रात को ही अपना शिकार ढूंढते हैं। इट फीड्स ऑन स्मॉलर स्पीशीज ऑफ हर्बीवोर्स फाउंड इन इट्स रेंज। जो भी आपका हर्बीवोर्स है, जो ऐसा स्पीशीज जो घास में घास खा के जिंदा रहते हैं, उसको खाते हैं ये लोग इंडियन लियोपर्ड। इन इंडिया द लियोपर्ड इज फाउंड इन ऑल फॉरेस्ट टाइप्स, हर तरीके के फॉरेस्ट टाइप्स आपको मिलेगा, एवरग्रीन हो गया, डेसीडियस हो गया, टेम्परेट हो गया, हर जो उसके है फॉरेस्ट रेंज में ये पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ड्राई स्क्रब्स एंड ग्रासलैंड्स, द ओनली एक्सेप्शन बीइंग डेजर्ट्स एंड द मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस, ठीक है। जो सुंदरबन के जो मैंग्रोव्स है, डेजर्ट है, वहाँ पर ये नहीं पाया जाता। इट शेयर्स इट्स टेरिटरी विद द टाइगर इन 17 स्टेट्स, लगभग 17 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर के टेरिटरी के साथ लियोपार्ड का टेरिटरी मिक्स हो जाता है। इट्स रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट, हिमालयस इन द नॉर्थ एंड ऑल द वे टू द लोअर कोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। तो इनकी जो रेंज ऑफ जो रेंज है जहाँ पर ये पाया जाता है, बहुत बड़ा रेंज है इनका, ठीक है। तो इंडियन लियोपार्ड के बारे में आप ये इन्फोग्राफिक देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट इट्स ट्रू कार्निवोर्स दैट आर एक्सेलेंट एम्बुश प्रीडेटर्स, फीड ऑन एनीथिंग दे कैन ओवर पावर फ्रॉम मिड साइज अनगुलेट्स टू डोमेस्टिक लाइव स्टॉक, डॉग्स, बर्ड्स, रोडेंट्स, ये सब खाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी की बात करते हैं, मोस्टली ये अलग अकेला रहते हैं, सोलिटरी नॉक्टर्नल क्रिएचर्स, ऑल्सो सीन एट डस्क एंड डॉन, सुबह और शाम में दिखा जाता है फॉरेस्ट में, और इंटायरली नॉक्टर्नल क्लोज टू ह्यूमन प्रेजेंस, और जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर पूरी तरह से रात को ही ये लोग टहलते हैं। टेरिटोरियल की बात करते हैं, लियोपर्ड डेंसिटीज कैन रिच 5 एनिमल्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन डेंसली पॉपुलेटेड ह्यूमन लैंडस्केप्स लाइक वेस्टर्न इंडिया। 100 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 5 लियोपर्ड जिंदा रह सकते। वो आप पुरानी कहावत सुना होगा कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह से मैक्सिमम 5 लियोपर्ड स्पीशीज 100 स्क्वायर किलोमीटर में रह सकते हैं, ठीक है। ब्लैक पैंथर की बात करते हैं, डार्क मॉर्फ्स और ब्लैक लियोपर्ड्स ऑफ्टन कॉल्ड ब्लैक पैंथर्स आर द सेम स्पीशीज बट विथ रिसेसिव मेलानिस्टिक जीन्स, स्पॉट्स आर हिडन अंडर द डार्क कोट्स। तो ये इतना डार्क होते हैं, इनका स्पॉट्स दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें, 2014 के सेंसस के मुताबिक 7,910 पॉपुलेशन है, थॉट टू बी अराउंड 12,000 to 14,000 अक्रॉस इंडिया, ठीक है। वेट की बात करें, 50 to 77 kg होता है मेल के क्षेत्र में, और फीमेल थोड़ा सा कम वेट का होता है, 29 to 34 kg। जियोग्राफिक रेंज की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर एक स्टेट में पाया जाता है, उसके अलावा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चाइना, यहाँ पर पाया जाता है इंडियन लियोपर्ड, ठीक है। हैबिटेट की बात करें, फॉरेस्ट, श्रबलैंड, सवाना, ग्रासलैंड, रॉकी एरियाज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स एटसेट्रा, इन तमाम इलाके में ये पाया जाता है। कब्स की बात करें, इनकी बच्चों की बात करें, फीमेल्स यूजुअली गिव बर्थ टू 2 कब्स आफ्टर ए गेस्टेशन पीरियड ऑफ 90 to 105 days। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट वो है, 90 से लेकर 105 दिन, मतलब लगभग तीन से सवा 3 महीना इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद
दो कब्स की पैदाइशी होती हैं। ओनली द फीमेल केयर्स फॉर द कब्स, जो फीमेल कब है, फीमेल जो आपका लियोपार्ड है वो कब्स के देखभाल ही करते हैं। हु रिमेन विद द मदर फॉर अबाउट 1.5 to 2 ईयर्स। एजाइल कैट एक्सेलेंट एट क्लाइंबिंग ट्रीज, कैन रन डाउन ए ट्री हेड फर्स्ट, बहुत तेज़ी से ट्री में उठते भी हैं और नीचे भी अगर आना हो बहुत तेज़ी से आते हैं। दे कैन कैरी लार्ज प्रे अप ए ट्री टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अदर कार्निवोर्स, एक शिकार को अगर उन लोगों ने कैप्चर कर लिया उसको पकड़ के ट्री के एकदम ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इनका उसके एबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। थ्रेट्स की बात करें, ए ट्रैफिक स्टडी रिपोर्ट्स दैट बिटवीन 2001 to 2010 एटलीस्ट 2 लियोपार्ड्स वेयर किल्ड ईच वीक। देखिए कितनी मतलब सीरियस चीज़ है, 2001 से लेकर 2010 के बीच में लगभग हर हफ्ते 2 लियोपार्ड मारा जा रहा था कहीं ना कहीं फॉर द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया। पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड बाई 75 to 90% इन द लास्ट 2 सेंचुरीज। पॉइजनिंग एंड रिटेलिटरी किलिंग होता है, पोचिंग होता है, ठीक है, फिर सड़कों में आ जाता है, लोग गाड़ी से उड़ा देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विथ लाइव स्टॉक हर्डर्स हंटिंग। तो ये तमाम तरीके की चैलेंजेस इनके यहाँ पर पाया जाता है और वल्नरेबल के कैटेगरी में रखा गया है IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक। ठीक है, मेलानिज्म तो हम लोगों ने देख लिया। फिर इंडिया में क्या होता है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर में रखा गया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट्स के लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम लोग देख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन लियोपार्ड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लियोपार्ड। सो दिस शैल बी ऑल फॉर टुडेज़ डिस्कशन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।